हमारी इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि भारत बहुत ही भाग्यशाली और लकी है कि नरेंद्र मोदी के रूप में हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो दिन रात एक करके पूरी तरह से देश की सेवा में लगा हुआ है। देश के लिए जो सेवा भाव नरेंद्र मोदी जी का है, वो सेवा भाव आजकल दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो लोग इस बात से सहमत नहीं है, उनके लिए अमेरिका के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। बोलने के लिए तो खैर हर एक लीडर ये दावा करता है कि वो अपनी स्टेट या कंट्री के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, लेकिन पता तब चलता है जब वो लीडर चुनाव जीतने के बाद संवैधानिक पद की शपथ लेता है और फिर ऑफिस संभालता है। दरअसल अमेरिका से एक डेटा सामने आया है जिसने हमें ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि भारत आखिरकार कितना लकी देश है। ये डेटा है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लेकर। पहले हम अमेरिका का डेटा डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी का डेटा डिस्कस करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कार्यकाल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले उन्होंने सबसे खराब अमेरिकन प्रेसिडेंट होने का एक रिकॉर्ड बना लिया है। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी वाइफ जिल बाइडेन की है और ये इन दिनों बीच के ऊपर हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका से न्यूज आ रही है कि जो बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान 532 दिन की आधिकारिक छुट्टी ली है, यानी कि 532 दिन वो अपने ऑफिस ही नहीं गए थे। साल में 365 दिन वैसे भी ऑफिस नहीं लगता है। जब से जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है, तब से अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस में अभी तक 1320 के आसपास के वर्किंग डेज थे और 1320 दिन में से जो बाइडेन ने 532 दिन छुट्टी मारी है, यानी कि लीव ली है। इसका मतलब है कि जो बाइडेन हर 100 वर्किंग डेज में से 40 दिन छुट्टी मार लेते हैं और लीव लेकर ऑफिस ही नहीं जाते हैं, वो भी तब जब जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान क्राइसिस आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और अब उसके बाद इसराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हो गया है और यहाँ से ईरान में भी इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ईरान तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के इतने करीब आ गया है। अगर फॉरेन पॉलिसी को साइड के ऊपर भी रखें तो अमेरिका की खुद की फाइनेंशियल कंडीशंस भी जो बाइडेन के कार्यकाल में कुछ ठीक नहीं रही हैं और आज के डेट में यूएस गवर्नमेंट के ऊपर $33 ट्रिलियन का फेडरल डेट आ गया है, यानी देश और दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया भर में बेशक आग लग जाए, लेकिन जो बाइडेन तब भी हॉलीडेज एंजॉय करते रहेंगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्रेजेंट ना होने के कारण देश की कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिले हो जाती हैं और देश का कितना नुकसान होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि भारत लकी है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, और मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि साल 2014 में प्राइम मिनिस्टर पद का कार्यकाल संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक एक भी छुट्टी नहीं मारी है और वो एक भी दिन ऑफिशियल लीव के ऊपर कभी नहीं गए हैं और इस दौरान वो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे। दरअसल पिछले साल सितंबर महीने में पुणे बेस्ड एक एक्टिविस्ट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक आरटीआई फाइल करके प्रधानमंत्री मोदी की छुट्टियों को लेकर कुछ सवाल किए थे और ये पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के दौरान कितनी लीव्स ले चुके हैं। उसी आरटीआई की जानकारी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बताया गया था कि मोदी जी ने साल 2014 से लेकर आज तक एक बार भी कभी भी लीव नहीं ली है और अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत और विदेशों में जाकर टोटल 3000 सरकारी इवेंट्स में हिस्सा लिया था। एक भी दिन ऑफ नहीं लेना ये वाकई में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, चाहे बुखार जुकाम या सर्दी क्यों ना हो। बीच में तो COVID-19 भी आया था, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी देश सेवा में डटे रहे। आई होप कि देश को ऐसे लीडर्स आगे भी मिलते रहें जो अपने कार्यकाल में एक एक मिनट की अहमियत समझते हो। वैसे आपका कौन सा फेवरेट लीडर है, वो फिर करंट लीडर्स में भी हो सकता है या फिर इतिहास में इससे पहले जो भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी हो सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं।